हमारे फनकदा के चीफ ऑर्गेनाइजर अब्दुल सत्तार गजाली, गिव ए बिग हैंड अब्दुल सत्तार गजाली। आइए जनाब। अस्सलाम वालेकुम मुअज़्ज़िज़ ख्वातीन व हज़रात, एंड आई वेलकम यू ऑन बिहाफ ऑफ फनकदा यूएसए। दिस इज़ अवर फोर्थ प्रोग्राम एंड दिस इज़ ऑल द एफर्ट ऑफ अवर फ्रेंड अब्दुल रज़ाक अदनवाला। एक्चुअली ही इज़ ए ग्रेट ऑर्गनाइज़र। See, I am actually a small fry in Fankada, USA, and 90% of all the work was done by Mr. Abdul Razak Adanwala. So, and please give a big hand to Mr. Adanwala, and now I'll call him to introduce our Fankada team. Thank you. ज़फ़र सिद्दीकी साहब, गज़ाला सिद्दीकी साहब इधर आ जाइए। शीरीन अतरवाला, रंजीत सिंह कहाँ खो गए? रंजीत सिंह गज़ाली साहब आप ऊपर आ जाइए। सबसे पहले आए सैक्रामेंटो वाले और ट्रेसी वाले सबसे पहले आए। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का इतनी दूर से सफ़र करने का। आज का प्रोग्राम इस तरह से होगा कि आप लोगों ने पैसे दिए ना आने के, यहाँ पर खाने के पैसे दिए ना, अब उसमें आपके पास एक एक टिकट मौजूद होगी। हम उसके लिए रैफल करेंगे। रैफेल में ये होगा जिसको भी इनाम मिलेगा एक फैमिली को एक ही इनाम दिया जाएगा। हमारे पास तीन इनाम आते हैं। तो मैं अभी हमारे सैक्रामेंटो के मेहमान हैं खालिद सईद साहब और नईम साहब जो आए हुए हैं वेलकम इंश्योरेंस कंपनी की तरफ से एक इनाम है। उन्होंने एक फॉर्म भरवाया था आपसे, उन्होंने ईमेल नंबर डाला, उसमें किसी की भी प्राइस हम लोग करेंगे। तो नईम साहब कुछ कहेंगे आपसे। नईम साहब प्लीज़ आ जाइए। और इसके बाद में हमारे शाहिद खान जो है ABW वालों ने हमें दो टिकट दी हुई है। अगर आपको गाड़ी का ऑयल चेंज वगैरह करवाना है तो हमारे अपने बिजनेस है तो हम उनको सपोर्ट करें। और हमारे तारिक चौधरी साहब है, वो टैक्स का काम करते हैं, उन्होंने कुछ फ्लायर रखा है अपना। अगर टैक्स करवाना है आपको तो तारिक चौधरी साहब से करवा लें। पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश जाना है तो आप ट्राई सिटीज़ वाले से कॉन्टेक्ट करें, ट्राई सिटी वाले भी मौजूद हैं यहाँ पर। तो ये सब हमारे स्पॉन्सर है जिन्होंने हमें काफ़ी, खालिद खोकर साहब भी यहाँ पे बैठे, सॉरी मैं खालिद खोकर साहब को भूल गया। और हमारे ज़िया साहब है, ज़ियाउल्लाह साहब, उन्होंने भी काफ़ी हमें मदद की है और काफ़ी हेल्प किया है। और आप लोग सब लोगों ने हमें हेल्प किया है क्योंकि आप लोग सब आए यहाँ पर। तो गिव ए बिग हैंड फॉर योर सेल्फ, सबके अपने लिए ताली। शुक्रिया बहुत बहुत। आ जाइए नहीं साहब। शुक्रिया रज़ाक भाई। तो इससे पहले कि रैफल की बात हो, मुझे एक किस्सा याद आ गया, वो सुना दूं आपको। रज़ाक भाई के हवाले से तो नहीं है लेकिन आप चाहें तो समझ लें। तकरीबन 65 साल पहले की बात है, एक 6 साल का बच्चा जो है इंग्लैंड में पढ़ रहा था क्लास में, किंडरगार्टन में। उस ज़माने में पॉलिटिकल करेक्टनेस का कोई ख़ास चक्कर नहीं था। तो टीचर ने सवाल किया कि क्रिएटर कौन है दुनिया का। तो किसी ने लॉर्ड कृष्णा बताया, किसी ने कुछ बताया, किसी ने कुछ बताया। तो ये मेमन बच्चा, इसने हाथ खड़ा किया, इसने कहा जीसस क्राइस्ट। उसने कहा ठीक है, ये तो बिल्कुल सही है, ये इनाम तुम्हारा हुआ $100 का। फिर उसने कहा ये तुम्हें पता कैसे चला कि जीसस क्राइस्ट? कहने लगा उस बच्चे ने कहा मुझे दिल में पता है कि अल्लाह मियाँ है लेकिन बिजनेस इज बिजनेस।
बात है तो हमारे खालिद सईद साहब जो है आजकल वेलकम इंश्योरेंस में हैं, और ये जो है रूह रवा है वहाँ पर सैक्रामेंटो एरिया में बहुत सारी एक्टिविटीज़ के, लेकिन उसमें से एक पाकिस्तान अमेरिकन कल्चरल आर्ट काउंसिल भी है और उसके मुख्तलिफ प्रोग्राम होते हैं जिसमें आपने उर्दू न्यूज़ में देखा होगा। तो ये और जावेद साहब तो वेलकम इंश्योरेंस ने जो है उसको डोनेट भी किया है, अब हमारा सारा साउंड सिस्टम $1200 का। तो कभी आप लोग वहाँ पर आएँ, 26 तारीख को वहाँ पे भी गानों का प्रोग्राम है, हर शख्स गा सकता है, और यहाँ पे आपको $20 देने पड़ते हैं, वहाँ $10। और यहाँ पे अगर आप ना आए, पहले से ना दें तो 25 देने पड़ते हैं, वहाँ पर आप आके वहीं पे दें $10। बोले जी कौन सी डील अच्छी है। तो वहाँ तो ये जो है हमारे खालिद साहब ज़रा खड़े हो जाएं, ये लगता है कि यहाँ पे बहुत काबिल लोग जमा हैं। तो खालिद साहब जो है वो उन्होंने ये किया है कि अभी इस प्रोग्राम के बीच में या आखिर में रेफर होगा $100 गिफ्ट सर्टिफिकेट ऑफ योर चॉइस या कैश, और उसमें जो भी आप अपना नाम और ईमेल एड्रेस वगैरह जो है लिख के रख दें तो उसमें से जो है हम लोग पिक कर लेंगे। और इनकी ये ख्वाहिश है कि यहाँ पर भी जो है ये इसी तरीके से सपोर्ट करें एक्टिविटीज़ को जिस तरह से वहाँ करते आए हैं, तो फिर आपको जो है गैस के पैसे भी बच जाएंगे। तो खालिद सईद साहब को और बिग हैंड टू रजा भाई, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू नईम साहब। तो अब चलो बातें तो होती रहती, हम वैसे 1.5 घंटे पीछे हो गए क्योंकि हमें 8 बजे शुरू करना था, 9 बज गए। तो सबसे पहले मैं आवाज़ दूंगा हमारी शिरीन को, और शिरीन हमें बहुत खूबसूरत गाने सुनाती है, और शिरीन आ जाएंगे यहाँ पर। आ जाइए शिरीन, गिव अ बिग हैंड टू हर।
थैंक यू, थैंक यू वेरी मच शिरीन। आज के प्रोग्राम में कुछ इंडियन और कुछ पाकिस्तानी गाने हैं और हमारी ये थीम जो है वो 60 और 70 की है। तो मुझे किसी ने पूछा कि भाई ये 60 और 70 के आपने गाने लिए और इसमें पार्ट वन क्यों लिखा है, फ्लायर में देखेंगे पार्ट वन लिखा हुआ है। तो 60 और 70 के दौरान में उस साल में इंडिया के कुछ बेहतरीन गाने जो थे वो तकरीबन 1300 के करीब है और पाकिस्तान के तकरीबन 700 गाने हैं बिटवीन 60 एंड 70 के दरमियान में, जिसमें नसीम बेगम के भी है, सलीम रज़ा भी है, अहमद रुश्दी भी है, नूर जहां भी है, मेहदी हसन साहब भी है, मुजीब आलम भी है, मसूद राना भी है। तो अभी मैं आवाज़ दे रहा हूं जनाब जावेद एजाज साहब को, वो सुनाएंगे आपको कुछ पाकिस्तानी। मेरे ख्यालों पे छाई है एक सूरत मतवाली सी, नाजुक सी शर्मीली सी, मासूम सी भोली भाली सी, रहती है वो दूर कहीं, पता पता मालूम नहीं। कोको कोरीना, कोको कोरीना, कोको कोरीना, कोको कोरीना, मेरे ख्यालों पे छाई है एक सूरत मतवाली सी, नाजुक सी शर्मीली सी, मासूम सी भोली भाली सी, रहती है वो दूर कहीं, पता पता मालूम नहीं। कोको कोरीना, कोको कोरीना, कोको कोरीना, कोको कोरीना, गहरी आंखें जिसकी, फूल सा जिसका चेहरा, काली जुल्फे नागन बन के देती हैं जिस पे पहरा। झील से गहरी आंखें जिसकी, फूल सा जिसका चेहरा, काली जुल्फे नागन बन के देती हैं जिस पे पहरा। तुम पूछोगे मुझसे दुनिया भर में कौन है ऐसा हसीन, मेरे ख्यालों पे छाई है एक सूरत मतवाली सी, नाजुक सी शर्मीली सी, मासूम सी भोली भाली सी, रहती है वो दूर कहीं, पता पता मालूम नहीं। कोको कोरीना, कोको कोरीना, कोको कोरीना, कोको कोरीना, खुद मुझको वक्त वहां ले जाए, मैं घबराऊं देख के उसको वो मुझसे शर्माए, हो सकता है कल खुद को वक्त वहां ले जाए, मैं घबराऊं देख के उसको वो मुझसे शर्माए, मैं कह दूंगा दिल पर मैंने शायद देखा है तुमको कहीं। मेरे ख्यालों पे छाई है एक सूरत मतवाली सी, नाजुक सी शर्मीली सी, मासूम सी भोली भाली सी, रहती है वो दूर कहीं, पता पता मालूम नहीं। कोको कोरीना, 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 कोको कोरीना। थैंक यू। पांच, अब एक पंजाबी नंबर सुनाता हूं आपको। ओ कांगे वाला खैर मंगदा, ओ कांगे वाला खैर मंगदा, कांगा लौर दा होए ते पावे चंगदा, टांगे वाला खैर मंगदा, ओ टांगे वाला खैर मंगदा, टांगा लौर दा होए ते पावे चंगदा।
ਸਾਡੀਆਂ ਮੁਰਾਦਾਂ ਹੋਣ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰੀ ਜਾ ਮਜੂਰੀਆਂ ਮੁਰਾਦਾਂ ਹੋਣ ਪੂਰੀਆਂ ਗੋਰੀਆਂ ਲਿਆਣ ਮੇਰੇ ਰਾਂਝਿਆਂ ਲਈ ਚੂਰੀਆਂ ਰਾਂਝਿਆਂ ਲਈ ਚੂਰੀਆਂ ਤੇ ਉਹੀ ਵੇਲਾ ਚੰਗਾ ਜਿਹੜਾ ਹੱਸ ਹੱਸ ਲੰਘਦਾ ਟਾਂਗੇ ਵੱਲ ਖੈਰ ਮੰਗਦਾ ਉਹ ਟਾਂਗੇ ਵੱਲ ਖੈਰ ਮੰਗਦਾ ਟਾਂਗਾ ਲੋਰਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਚੰਗਦਾਲੱਜ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਪਾ ਲਈਏ ਨੀ ਸੇਰੇ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ ਭਾਵੇਂ ਪੁੱਤਰ ਮਲੰਗਦਾ ਟਾਂਗੇ ਵੱਲ ਖੈਰ ਮੰਗਦਾ ਉਹ ਟਾਂਗੇ ਵੱਲ ਖੈਰ ਮੰਗਦਾ ਟਾਂਗਾ ਲੋਰਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਚੰਗਦਾਬੰਦਾ ਰੰਗ ਰੰਗ ਦਾ ਟਾਂਗੇ ਵੱਲ ਖੈਰ ਮੰਗਦਾ ਉਹ ਟਾਂਗੇ ਵੱਲ ਖੈਰ ਮੰਗਦਾ ਟਾਂਗਾ ਲੋਰਦਾ ਹੋਏ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਚੰਗਦਾHatt tang da tange wal khair mang da o tange wal khair mang da tanga lor da hoye te paave chang da tanga lor da hoye te paave chang da tange wal khair mang da o tange wal khair mang da tanga lor da hoye te paave chang da बहुत बहुत शुक्रिया जावेद साहब गिव अ बिग हैंड टू जफर भाई
दिल तेरे जलवे हो मुबारक तुझको, तेरी उल्फत से नहीं आज भी इनकार मुझे, तेरा मैं खाना सलामत रहे जान वफा, मुस्कुरा कर तू जरा देख ले एक बार मुझे, फिर तेरे प्यार का मस्ताना चला जाएगा, कल तेरी बज़्म से दीवाना चला जाएगा, शम्मा रह जाएगी परवाना चला जाएगा, आज की रात मेरे दिल की सलामी ले ले, दिल की सलामी ले ले। मैंने चाहा के बता दूं मैं हकीकत अपनी, तूने लेकिन न मेरा राज मोहब्बत समझा, मेरी उलझन मेरे हालात यहाँ तक पहुँचे, तेरी आँखों ने मेरे प्यार को नफरत समझा, अब तेरी राह से बेगाना चला जाएगा, कल तेरी बज़्म से दीवाना चला जाएगा, शम्मा रह जाएगी परवाना चला जाएगा, आज की रात मेरे दिल की सलामी ले ले, दिल की सलामी ले ले। तू मेरा साथ न दे रहा मोहब्बत में सनम, चलते चलते मैं किसी राह पे मुड़ जाऊंगा, कहकशा चांद सितारे तेरे चूमेंगे कदम, तेरे रास्ते कि मैं एक धूल उड़ जाऊंगा, साथ मेरे मेरा अफसाना चला जाए, कल तेरी बज़्म से दीवाना चला जाएगा, शम्मा रह जाएगी परवाना चला जाएगा, आज की रात मेरे दिल की सलामी ले ले, दिल की सलामी ले ले। लाखों गम संसार के, दिल के सहारे कैसे प्यार करें,
अपनी तो जिंदगी बीती है जी को मार के, दिल के सहारे कैसे प्यार करें।
से भी तुम प्यार से भी प्यारी, तुम हुस्न से हसी हो क्या बात है तुम्हारी, क्या बात है तुम्हारी, आँखों में दो जहाँ है मालिक हो दो जहाँ की, सलामत रहो सलामत रहो है सलामत रहो। बहुत बहुत शुक्रिया। ये गाना मोहम्मद रफ़ी ने फिल्म पारस बनी के लिए गाया था 1963 में, जब लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने पहली म्यूज़िक इसकी दी थी। और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने मोहम्मद रफ़ी से कहा कि हमारे पास पैसे नहीं है, आप हमारे लिए गाना गाएं। और ये मोहम्मद रफ़ी ने फ्री में गाना गाया था फिल्म पारस बनी में। और ये गाना सिल्वर जुबली हुई और 25 हफ्ते तक एक ही थिएटर में चली और मोहम्मद रफ़ी ने पैसे नहीं लिया। महबूब तुझे मेरी मोहब्बत की कसम, मेरे महबूब तुझे मेरी मोहब्बत की कसम, फिर मुझे नरगिसी आँखों का सहारा बिखड़े थे हजारों नगमे, मैं वो नगमे तेरी आवाज को दे आया था, साजे दिल को उन्हीं गीतों का सहारा दे दे, मेरा खो दे मेरे महबूब
जादू है मुझको मेरी उम्र की पहली वो घड़ी तेरी आँखों से कोई जाम पिया था मैंने मेरी रग रग में कोई बर्क सी लहराई थी जब तेरे मैंने एक बार तेरी एक झलक देखी है मेरी हसरत है कि मैं फिर तेरा दीदार करूं तेरे साए को समझ कर मैं हंसी ताजमहल चांदनी रात में नजरों से तुझे प्यार करूं अपनी महकी हुई जुल्फों का सहारा दे दे मेरा खोया हुआ रंगीन नजारा दे दे मेरे महबूब तुझे मेरी मोहब्बत की कसम ढूंढता हूँ तुझे हर राह में हर महफिल में थक गए हैं मेरी मजबूर तमन्ना के कदम आज का दिन मेरी उम्मीद का है कहाँ तू हो सनम तो घड़ी अपनी निगाहों का सहारा दे दे मेरा खोया हुआ रंगीन नजारा दे दे मेरे महबूब तुझे मेरी मोहब्बत की कसम सामने आके जरा पर्दा उठा दे रुख से एक यही मेरा इलाज हमें तन्हा तेरी फुरकत ने परेशान किया है मुझको अब तो मिल जाके मेरी जान पे बन आई है दिल को भूली हुई यादों का सहारा दे दे मेरा खोया हुआ रंगीन नजारा दे दे मेरे महबूब तुझे मेरी मोहब्बत की कसम मेरे महबूब थैंक यू